बंधन बनाकर सभी सांसदों ने इन कानूनों को पारित करके अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज देश में दो परिस्थितियाँ हैं। देश का अधिकांश भाग कानूनों का समर्थन कर रहा है। पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो रोज़ आंदोलनकारी किसानों को भी देखते हैं और कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों को भी देखते हैं और दोनों को तुलनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम में अवसर देते हैं। आज भी विनोद जी के माध्यम से सभी किसान चिंतकों की एक टोली यहाँ आई है और उन्होंने अपने विचार नए कानूनों के समर्थन में व्यक्त किए हैं, उनका स्वागत किया है, उनका समर्थन किया है। और इस पूरी टीम के माध्यम से देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा सरकार जरूर करेगी। आज इस अवसर पर त्रिपाठी जी, मोहन कांडा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, वो इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में चाहे वो 10,000 नए FPO बनाने का मामला हो, जिस पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से व्यय करने का मामला हो और चाहे 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि अवसंरचना फंड के लिए उपलब्ध कराने का विषय हो और संबंधित क्षेत्र फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में गैप बचे हुए हैं और जो निजी निवेश का अभाव कृषि का क्षेत्र इतने दिनों तक भोगता रहा और घाटे की खेती करता रहा, उनको यह सुखद अवसर आने वाले कल में उपलब्ध होने जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। हम सब जानते हैं कि KCC का विषय वाजपेयी जी के समय में आया था और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। अभी तक 6,00,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15,00,000 करोड़ रुपया किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 में बांदा में हम लोगों ने KCC के अभियान का पुनः शुरुआत की थी। मोदी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हीं ने अनाउंस किया था और मार्च से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, लेकिन कोविड भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, तमाम सारी चीज़ें बंद हुई, तो हम सब ने देखा कि खेती और किसानी का काम प्रभावित नहीं हुआ। फसल की कटाई भी हुई, उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें, खरीफ की बुआई देखें, पैदावार देखें, तो एक तौर से रिकॉर्ड तोड़ काम खेती ने किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोविड के इस सीज़न में मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को KCC के कवर के अंतर्गत लाए और उसके आधार पर उनको
1,00,000 करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया, यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से MSP को भी परिमार्जित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं, तो हम लोग समय समय पर इन बिंदुओं पर बातचीत करते रहेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आप सब बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये विषय यहीं समाप्त होता है। आज पत्रकार मित्रों को मैंने चाय पर आमंत्रित किया था और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास विषय तो बहुत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत दिन हो गए आप भी किसान आंदोलन और कृषि मंत्रालय को कवर कर रहे हो सर्दी के मौसम में, तो आज फुर्सत में आप सब लोगों के साथ चाय पी जाए। तो लेकिन वो चूंकि विनोद जी का भी कार्यक्रम किसान दिवस के कारण आज ही था और परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो गए, लेकिन मेरे लिए सुखद अवसर है क्योंकि विनोद जी का भी जो कार्यक्रम है उसका वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्व है और प्रेस के माध्यम से वो लोगों तक जाए यह भी निश्चित रूप से एक सकारात्मक आवश्यकता है और इसलिए प्रेस के बंधु भी सभी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आप सबका भी किसान दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कुछ खास बातें कही, जैसे कि किसान के हित में ये कानून है और कुछ किसान हैं जो भ्रम में हैं, ज्यादातर किसानों का समर्थन है ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग भ्रम में हैं उनके भ्रम को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा।